न्यूजीलैंड दौरे के लिए रविवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। जी हां, 24 जनवरी से शुरू हो रहे दौरे की शुरुआत 5 T20 मैचों की सीरीज के साथ की जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आखिरी में 21 फरवरी से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 मैचों की सीरीज होगी। रविवार को T20 के लिए विराट कोहली की कप्तानी में 16 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी हुई, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई सीरीज के दौरान आराम दिया गया था। वहीं विकेटकीपर संजू सैमसन को 16 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर धोनी की बहुचर्चित वापसी एक बार फिर टल गई। 16 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में 38 साल के महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। अब IPL 2020 में ही उनकी वापसी की उम्मीद की जा रही है। पिछले साल 9-10 जुलाई को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की हार के बाद से धोनी के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। अब एक बार फिर ये अटकलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार संजू सैमसन को बाहर क्यों बिठाया गया। दरअसल अब सबसे पहले आपको स्क्वाड बताते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि क्यों संजू सैमसन बाहर हुए। T20 स्क्वाड की बात की जाए तो इस टीम के कप्तान विराट कोहली रहेंगे, इनके साथ रोहित शर्मा, KL राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर इस टीम का हिस्सा होंगे। वहीं चयनकर्ताओं ने केरल के बल्लेबाज संजू सैमसन को बाहर कर दिया। 5 सदस्यीय चयनकर्ताओं का पैनल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी टीम में वापस लाया, जिन्हें रोहित की तरह ही श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में आराम दिया गया था। विकेटकीपर बल्लेबाज सैमसन ने श्रीलंका के खिलाफ पुणे में तीसरा T20 मुकाबला खेला था, जिसमें उन्होंने 6 रन बनाए थे। चयन समिति ने वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा अभी नहीं की है। भारतीय T20 टीम में कोई चौंकाने वाला चेहरा नहीं है। संजू सैमसन की जगह रोहित टीम में आए, बाकी सभी खिलाड़ी टीम में बने रहे। भारत इस दौरे में न्यूजीलैंड टीम के साथ 8 समिति ओवरों के मैच खेलेगी, जिसमें 5 T20 और 3 वनडे मैच शामिल है। टीम इंडिया इस दौरे में 2 टेस्ट भी खेलेगी। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया दौरे की शुरुआत 5 T20 मैचों की सीरीज के साथ करेगी। वहीं दिलचस्प बात यह है कि टेस्ट और वनडे टीम की घोषणा नहीं की गई, और ये माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या का फिटनेस ड्रामा इसका कारण तो नहीं। BCCI की एक प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि हार्दिक पांड्या की रिहैब प्रक्रिया उम्मीद से ज्यादा समय ले रही है। विजय शंकर ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में पांड्या की जगह ली। सूत्रों की माने तो पांड्या रणजी मैच खेले बिना ए टीम में न्यूजीलैंड दौरे के लिए रखे गए थे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके ट्रेनर ने कहा था कि उनकी गेंदबाजी से संबंध में वर्कलोड के मुद्दे हैं, इसका मतलब है कि वो फिट नहीं है। मुझे लगता है कि BCCI हार्दिक को बड़ौदा के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने और अपनी फिटनेस साबित करने का निर्देश देगा। ANP न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।